नमस्कार, HW24 न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके सामने एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें स्कूल से जुड़ी समस्याएं जो पालकों और संचालकों की होती है उसको लेकर हम आपके सामने रूबरू होने वाले थे। स्कूल मेरा आपका या हमारा, इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आए और इसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो मुद्दे रहेंगे वो केवल स्कूल प्रबंधन और पालकों के नहीं, ऐसे भी मुद्दे हैं जो कि आपकी कमियों को, आपके जो सवालों को जवाब भी देते हैं। इस समय हमारे साथ शिक्षाविद के कॉन्वेंट स्कूल के संचालक हैं जो लवीस राठौड़ जी, वो मौजूद हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि इस तरह के जो मुद्दे सामने आते हैं उनको किस तरह से फेस किया जाना चाहिए। सर, पहले तो आपका स्वागत करते हैं और हम बात करेंगे कि जो जिले भर के निजी स्कूल से, निजी स्कूल की संख्या हम बात करें तो करीब 575 करीब ऐसे स्कूल हैं जिसमें पालक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। कई बार इस तरह की बातें सामने आती है कि जब ब्राउसर्स आते हैं स्कूल के, उनके ऊपर जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। शिकायतें आती, पालक भी शिकायत लेकर पहुँचते हैं लेकिन उनके हल नहीं हो पाते हैं। हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर खेल मैदान को लेकर। स्कूल आज भी ऐसे हैं जिनके पास खेल मैदान नहीं है लेकिन उन्होंने अपने खेल मैदान दिखा रखे हैं। बच्चों की खेलने की इच्छा होती है, वो अपने जो खेल की प्रतिभा है वो उसको सामने नहीं ला पाते। कैसे दिखेंगे इसे आप, किसे इसमें दोषी मानेंगे आप? खेल मैदान को लेकर के जो आपका प्रश्न है तो उसको मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सारे स्कूल्स जो मान्यता देते हैं वो शासन के मापदंडों के आधार पर ही मान्यता देते हैं और जो ब्रोशर्स में बातें बताई जाती हैं स्कूलों के द्वारा अगर वो गलत जानकारी देते हैं तो मैं मानूंगा कि वो गलत है। लेकिन अगर स्कूल अपने बारे में दी गई जानकारी सही बताते हैं और सही हो तो वो भी ठीक है। जहाँ तक खेल मैदान का प्रश्न है तो खेल मैदान को लेकर के जो हायर सेकेंडरी मान्यता है MP बोर्ड की, उसमें 3000 वर्ग फीट खुली जमीन का होना आवश्यक है और टोटल भूमि 5600 वर्ग फीट होना आवश्यक है। वो मापदंड है, उसी में खुली भूमि में ही बच्चों को खेल गतिविधियाँ, उसमें इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों कराए जा सकते हैं। अगर कोई विद्यालय के पास में खेल मैदान नहीं है तो वो समीपस्थ खुली भूमि या खेल मैदान से अनुबंध करके खेल मैदान की अनुमति दे सकता है और अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं कर रहा है और उसको छुपा रहा है तो फिर वो गलत है। हमने जिले के कुछ पालक से फ़ोन भी आए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो या तो अन्य जगह को खेल मैदान बता दिया है, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, तो क्या किया जाना चाहिए इसके लिए? आप लोगों को मतलब संचालक के तौर पर हम देखें तो आप क्या कह सकते हैं इस मामले? खेल मैदान होना आवश्यक है, ये तो मेरा मानना है कि अगर हम स्कूल विद्यालय का संचालन कर रहे हैं तो खेल मैदान होना आवश्यक है और यदि किसी कारणवश खेल मैदान अस्थायी तौर पर नहीं है तो हम उसे आसपास के किसी खेल मैदान में अनुमति लेकर के और उसको लिखित अनुमति लेकर के खेल मैदान की कमी को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ पालकों के फ़ोन आए हैं, कुछ मैसेजेज भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है, हम बात करें तो जब ऊपरी क्लासों में जाते हैं तो उनको पढ़ाई का स्तर की बात करें या जैसे हम देखें उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा प्रॉपर, में इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस तरह की समस्याएँ भी आती है, क्या वजह लगती है इसके पीछे आपको? मेरा ये मानना है कि प्रत्येक विद्यालय अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करता है कि बच्चों को सुशिक्षित किया जाए और कोशिश होती है उसकी कि हर बच्चा पढ़े, शासन की मंशा के अनुसार बच्चा पढ़े। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई बच्चा कमज़ोर है तो विद्यालय ने उस पर ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदी पढ़ना नहीं आ रही है, तो ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करें, रेखांकित करें, उन बच्चों की अतिरिक्त कक्षाएँ लगाएँ और उन बच्चों को हम मजबूत बनाएँ। पालक भी इस मामले में स्कूल का सहयोग करें और दोनों मिल करके, क्योंकि स्कूल और पालक ये दोनों मिल करके ही बच्चे का विकास कर सकते हैं, ये हमारा मानना है। अमूमन देखें तो स्कूल फीस के साथ बस की सुविधा भी स्कूल द्वारा है लेकिन जब बस में बच्चे जाते हैं संख्या ज़्यादा होने से बच्चों को सीट नहीं मिलती, कई बार इस तरह के पालकों के भी आरोप लगते हैं। ये एक प्रश्न है जो कई बार आता है, बच्चे स्कूल बस में जा रहे हैं और स्कूल की फीस देने के बाद में भी उनको अगर बस में बैठने की अनुमति नहीं या सीट नहीं मिल पा रही है तो ये निश्चित रूप से गंभीर मसला है और पालकों को चाहिए कि जो भी बच्चा जिसको सीट नहीं मिल पा रही है वो संबंधित स्कूल संचालक से इस बारे में बात करके अपनी सीट सुनिश्चित करे। अगर बच्चा खड़े खड़े जा रहा है तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि वो गलत है। अभी जैसे ऑटो में जाते हैं बच्चे, जो मैजिक्स में जाते हैं, यदि ये नियम विरुद्ध जा रहे हैं और अगर स्कूल को ही ये बच्चे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं नई बसें होगी तो जो समस्या है उसका भी काफ़ी हद तक हल हो सकता है। लेकिन और क्या चाहेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं RTO विभाग भी है इसके अंदर जो गाइडलाइंस की बातों करता है लेकिन वो खुद अनदेखी करके जो बच्चों की संख्या कम होने से आप लोगों को इस तरह परेशानी आती है, इसे कैसे पढ़ाया जा सकता है? सर, बसों के नियम और बसें कैसी चल रही हैं ये तो RTO का ही काम है,
इस बारे में तो मैं यही कहूँगी कि अगर स्कूल अपनी बसें अनुबंधित करके चला रहे हैं या स्वयं की बसें चला रहे हैं तो शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चलाएं, और जो स्कूल्स के संचालकों के लिए बसों के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसका पूर्णतः पालन करें तो कोई भी अप्रिय स्थिति या नवविवाद की स्थिति बनने की कोई संभावना नहीं बनती है। कुछ पालकों के ऐसे भी सवाल आए कि सामने की जैसे वो स्कूल से टीसी निकालना चाह रहे हैं, टीसी नहीं दिया जाता है, क्या वजह लगती है टीसी मांगने पीछे? पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं लग रहा है या और कोई वजह होती है जिससे पालक सीधा टीसी की मांग कर देता है? टीसी की मांग करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए सेवा में है, इस समय कहीं सर्विस कर रहे हैं और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो अपने बच्चों को अन्यत्र ले जाना चाहते हैं तो वो ट्रांसफ़र की बदौलत टीसी ले जाते हैं। कुछ बच्चों के पालक ये समझते हैं कि हमारे इस विद्यालय में हमारे बच्चों का अच्छा अध्ययन नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम स्कूल बदलना चाहते हैं तो टीसी ले जाते हैं। लेकिन टीसी मांगना और न देना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। टीसी विद्यालय केवल एक ही बात पर नहीं दे सकता और वो है अगर उसकी फीस बकाया हो। कई बार ऐसा होता है कि पालक अपनी फीस अधिक हो जाने के कारण, अब बकाया फीस हो जाने के कारण स्कूल बदलना की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि बिना फीस दिए ही हम टीसी प्राप्त कर लें, तो ये तो स्कूल संचालक का नुकसान होता है क्योंकि वो भी कहीं और से फंडिंग उसको नहीं मिलती है, उसको स्कूल फीस से अपने विद्यालय का संचालन करना होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो पालक अगर टीसी लेना चाहते हैं तो अगर उनकी फीस बकाया है फीस जमा कर दें और टीसी ले लें। अगर फीस देने के बाद में भी स्कूल संचालक टीसी नहीं देते हैं तो वो गैरवाजिब है। कुछ पालकों के इस तरह के मैसेज भी है, उनका साफ तौर पर कहना था कि बच्चे आकर शिकायत करते हैं कि आज मैडम ने या सर ने उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया। क्या लगता है जो शिक्षक या शिक्षिका जब अपने घर से स्कूल जाते हैं तो किसी तरह की जो स्थिति बनती है बच्चों के साथ, क्या उसके पीछे एक वजह ये होती है कि उनके कोई पारिवारिक जो तनाव होता है उसका भी फर्क पड़ता है स्कूल में? देखिए, शिक्षक की मना स्थिति स्कूल आने के पूर्व क्या है ये वो केवल पर्टिकुलर शिक्षक ही जान सकता है। लेकिन अगर उसने उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बच्चे पर कोई बात करी है या बच्चे पर कुछ का निगेटिव इफेक्ट आया है तो ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है। मैं इस आपके माध्यम से उन शिक्षकों से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप घर से आ रहे हैं और आपकी मानसिक स्थिति कुछ अलग सी है या आप घर से किसी परेशानी को लेकर के आ रहे हैं तो अपनी परेशानी हम बच्चों पर न उतारें या अपना क्रोध हम या आवेश अपना बच्चों पर व्यक्त न करें, ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम एक शिक्षक हैं तो हमें शिक्षक के पेशे में इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अपना मानसिक संतुलन अपना मानसिक आपा बनाए रखें। तो मैं चाहूँगा इस माध्यम से कि अगर ऐसी किसी ने बात की है अतीत में तो उसको दोहराए नहीं और पालकों को इस प्रकार की शिकायत का अवसर न दें। स्कूल फीस को लेकर भी कई बार आरोप लगते हैं कि मनमानी तरीके से फीस वसूल जाती है, इसे कैसे देते हैं मनमाने तरीके से, क्या मायने निकालें इसके? हम ये मनमाना शब्द तो हम खुद भी कभी कभी सोचते हैं कि आखिर ऐसी किसी मनमानी शब्द लगा देना गलत है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष हमें 10% फीस बढ़ाने का अधिकार है और हम उसी 10% के मापदंड के आधार पर अपनी फीस का निर्धारण करते आए हैं। यदि कोई 10% से अधिक मापदंड के साथ में फीस लेता है तो आप संबंधित विद्यालय के संचालक से उसका कारण जान सकते हैं कि वो अधिक फीस क्यों ले रहे हैं। बाकी मनमानी वाली बात ऐसी कोई नहीं रहती। प्रतिवर्ष विद्यालय अपने बच्चों से लिए जाने वाले शुल्क के बारे में पालकों को रिजल्ट के तत्काल बाद सूचना दे देते हैं कि हम आने वाले सत्र में आपसे ये फीस लेंगे। पालक भी इस बात में अवगत हो जाते हैं, अगर उन्हें उचित लगता है कि हम ये शुल्क दे पाएंगे तो वो इस स्कूल में अपने बच्चे का अध्ययन निरंतर रखते हैं। इसलिए ऐसा कोई आरोप लगा देना कि मनमाना शुल्क वसूलते हैं मुझे नहीं लगता कि ये न्याय संगत होगा। अगर कोई संदेह है तो आप स्कूल संबंधित स्कूल से बात कर सकते हैं कि ये शुल्क किस बात का लिया जा रहा है। स्कूल के बस्ते के वजन को लेकर शासन की गाइडलाइन भी है, हालांकि लंबे समय से बात उठती आई कि बच्चों का जो बस्तों का वजन है वो काफ़ी कई बार बच्चों से ज़्यादा बच्चों के बस्तों का वजन होता है। अब जो नई गाइडलाइन है किस इतना पालन हो पा रहा है इसका या अब आगे क्या किया जाना चाहिए? और इसके लिए मुझे खुशी है इस बात की कि इस सत्र में जो सरकार ने बच्चों के बस्ते के वजन को लेकर के जो दिशा निर्देश और जो गाइडलाइन निर्धारित किया अधिकांश स्कूलों ने उसको पूरा करने का उसका पालन करने का जिम्मा लिया है और बड़ी जिम्मेदारी से उसको निभा रहे हैं। जैसे क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं उनका बस्ते का वजन 1.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादातर स्कूलों ने ये कोशिश की है कि बच्चे के बस्ते का वजन 1.5 किलो से अधिक ना हो। हमने सेमिस्टर सिस्टम की बुक्स लगाने का प्रयास किया है ताकि बच्चे की किताबों को दो भागों में बांट दिया जाए, पहले 6 महीने बच्चे एक बुक से पढ़ेगा और 6 महीने के बाद में दूसरी बुक से पढ़ेगा ताकि बच्चे का ज्ञान भी उसको मिलेगा और बच्चे के बस्ते का वजन भी कम हो जाएगा। एक शिकायत ये भी है कि जो बच्चों की किताबें या ड्रेस खरीदने की बात होती है वो एक निश्चित जगह से खरीदने के बार बार बात आती है और इस तरह का आरोप लंबे समय से पालक लगाते आ रहे हैं।
अगर अपन यूनिफॉर्म की भी बात करते हैं तो यूनिफॉर्म हर स्कूल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है कि वो अपने स्कूल के लिए यूनिफॉर्म को निर्धारित करता है। यहाँ तक अपने शहर की बात है तो कोई एक दुकानदार पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, चार पांच जगह पर बच्चों की यूनिफॉर्म मिलती है, पालक चाहे जहाँ से यूनिफॉर्म ले सकते हैं। हम तो केवल उनको ये बताते हैं कि भाई ये दुकानदार जब हम लोगों के पास में आते हैं गर्मी छुट्टियों में कि सर हम बच्चों की यूनिफॉर्म बनाएंगे, कहीं कोई पालक आपसे पूछने आए तो आप हमारा नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप उसी दुकान से ही जाकर के लेंगे, हम सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, तो तीन चार जगह दुकानों के नाम बता देते हैं। और ऐसा शासन ने भी कहा है कि आप एक दुकानदार फिक्स नहीं करेंगे, दो या तीन दुकानदार देना चाहिए। शासन के दिशा निर्देश में भी ये कहा गया है कि किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार का नाम न लेंगे, दो तीन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे था कि जो जिस तरह से पालकों का सवाल उठ के सामने आया है, बड़ी बात है कि जब साल भर के हम फीस ले रहे हैं उसमें सांस्कृतिक गतिविधि, खेल गतिविधि, पढ़ाई सारी चीज़ों को लिया जा रहा है, उसके बाद जब सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, फेयरवेल होते हैं, उस समय फिर फीस ली जाती है, बड़ी राशि वसूली जाती है। कहने की एक आरोप जो पालकों के ऊपर है वो चौंका देने वाला भी है, जो शिक्षा के नाम पर या खेल के नाम पर या सांस्कृतिक गतिविधि के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, फिर क्यों ये राशि अलग से वसूली जाती है? देखिए, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए लिया जाने वाला शुल्क ये किसी भी विद्यालय का अपना एक निजी उसका फैसला होता है कि वो किस तरीके से कितनी फीस ले रहा है। तो मुझे तो प्रत्येक विद्यालय की द्वारा ली जाने वाली सांस्कृतिक फीस का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सांस्कृतिक फीस लेते हैं तो उसको फिर दूसरी बार अगर आपने उसको अपने विद्यालय की फीस में समाहित कर लिया है तो फिर उसका अलग से शुल्क लिया जाना तो तर्कसंगत नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप वार्षिक उत्सव के दौरान जो ड्रेसेस वगैरह बच्चों के लिए ले रहे हैं वो अगर किराए से आ रही है तो आप उसका किराया बच्चों से जो जायज है वो ले सकते हैं, या फिर जो उचित उसका मूल्य है बच्चों की पोशाक का वो ले सकते हैं। इसमें अत्यधिक राशि वसूलना, ये शिकायत तो हमको भी कई बार मिलती है और इस बारे में भी विद्यालय को सतर्क रहना होगा। ये मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि विद्यालय जो जायज किराया यूनिफॉर्म का होता है, पोशाक का होता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, वही वसूल है, ताकि ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में विद्यालय और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। कुछ ऐसी भी शिकायत सामने है जिसमें कि फीस को बल्क में बताया जाता है कि आपसे इतनी फीस वसूली जाएगी, लेकिन जब रसीद दी जाती है तो उस समय उसका क्लियरिफिकेशन भी नहीं होता है, उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती कि किन किन चीज़ों को लेकर फीस वसूली जा रही है। क्या कदम उठाना चाहिए इसे लेकर जिससे पालकों के और जो स्कूल प्रबंधन के बीच में किसी तरह की ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे एक दूसरे पर संदेह जताया जाए? मेरा ये मानना है कि सत्र आरंभ होने के पूर्व या परीक्षा फल प्राप्त करते समय पालक का ये मौलिक अधिकार है कि वो विद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस की डिटेल विद्यालय से मांगे, और विद्यालय का भी पूर्ण दायित्व बनता है कि वो पालक को संतुष्ट करे, जो वो फीस ले रहे हैं वो फीस के किन बिंदुओं के आधार पर उन्होंने फीस ली है। जैसे मेरा ये मानना है, जैसे हम मेंटेनेंस फीस लेते हैं, व्यवस्था शुल्क लेते हैं, तो वो आप बताएं कि आपने कितनी ली है। अगर आपने कोई वार्षिक शुल्क लिया है, एनुअल चार्ज, वो आप बताएं आपने कितना लिया है। तो बायफर्केशन होता है, मतलब अलग अलग विधाओं के हम फीस लेते हैं, आप पूरा बताएं कि आपने क्या फीस ली है ताकि पालकों में किसी प्रकार का संशय ना हो और इस प्रकार के जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है ये प्रश्न दोबारा मतलब पूछे जाने की पालकों की स्थिति न बने। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से पालकों को जो संशय थे, जो सवाल थे, उनका जिस तरह जवाब भी मिला है, और संभवतः हम समझ सकते हैं इससे काफ़ी हद तक जो पालकों की शिकायतें हैं कमी आएगी। हालांकि जो संचालकों के जवाब इसके बाद भी हम करें तो पालक की भी कहीं ना कहीं इसमें जो गलती आती है, जिस तरह के संदेह वो लोग उठाते हैं, वो पहले जाके प्रबंधन से मिले और इन चीज़ों पर क्लियर करें, उसके बाद ही किसी तरह के आरोप लगाएं। हालांकि दोनों मिलकर ही एक स्कूल का अपना परिवार बना सकते हैं और तभी हम कह सकते हैं कि स्कूल मेरा या आपका नहीं, हमारा होगा। एक फिर नए मुद्दे के साथ में हम आपसे रूबरू होंगे जल्द ही। नमस्कार।